subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. सीरियल की कहानी में फैंस जैसा सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुंडली भाग्य की, और अभी तक जिन भी फैंस ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि उनके हर सीरियल की अपडेट मिलती रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो दोस्तों, कहानी के अंदर जो तूफान चल रहा है इन दिनों, ऋषभ का गुस्सा सातवें आसमान पर है। हर किसी को लेकर वो परेशान है, और सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो अपने पिता महेश को लेकर, क्योंकि घर के अंदर कोई नहीं है। जहां राखी करण और पिता को शादी में आशीर्वाद देने के बाद से दिखी ही नहीं थी, वहीं अब बीती रात राखी की एंट्री हो चुकी है, और राखी को समीर फोन करके बता देता है कि सरलिन भाभी ने प्रीता पर हार चुराने का आरोप लगा दिया है। जहाँ ये बात सुनते ही राखी चौंक जाती है, और प्रीता को बेगुनाह साबित करने के लिए एक बार फिर राखी आ चुकी है, और आखिरकार कहानी में राखी प्रीता को बेगुनाह साबित कर ही देती है और सरलिन के खेल को कर देती है फेल। वहीं फिर सरलिन को ले जाती है राखी वापस, और फिर कहानी में अब राखी बता देगी ऋषभ को सारा सच, जिससे ऋषभ बौखला जाएगा, और अब देखना होगा कि ऋषभ इस चक्कर में कितना बड़ा कदम उठाएगा। तो दोस्तों, कहानी का अब अलग ही अंदाज देखने को मिलेगा। तो इस सीरियल की हर छोटी से बड़ी अपडेट को लेकर अपनी अगली रिपोर्ट में एक बार फिर हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज। न्यूज रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.